जंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई कैसे टीनो। मैं योगेश कुमार, आइए नजर डालते हैं आई की ताजा स्टूडियो। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम के निगम है। मैं बहुजन समाज पार्टी में 98 से काम कर रहा हूं और मैं बूथ 10 से लेके सेक्टर 10, सेक्टर प्रभारी, कार्यालय सचिव और जिला संयोजक, भाईचारा में विधानसभा संयोजक विभिन्न पदों पर रहकर मैंने पार्टी की 21-22 साल मैंने सेवा की है। इस बार जब विधानसभा का आज से 1.5 साल पहले पुनः गठन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार हुआ था, तो अब मेरा कमेटी में नाम चला विधानसभा अध्यक्ष के लिए। तो मुख्य सेक्टर प्रभारी और पूर्व एसटी आयोग के चेयरमैन माननीय गोरेलाल जाटव साहब ने कहा कि आपको तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको तो धनौली 25 नंबर वार्ड से जिला पंचायत का उम्मीदवार बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी का आदेश है आपका आदेश है, मैं आदेश का पालन करूँगा। अब आके मेरा अभी तक माननीय मुनकाद साहब थे, माननीय मुनकाद साहब के सामने मेरा टिकट हो गया था, उन्होंने पैसे के अवाम में आकर मेरा टिकट काट दिया गया है। यहाँ से एक मुख्य सेक्टर प्रभारी जो बहुजन समाज पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार जो मुख्य सेक्टर प्रभारी होगा उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा कहा है, ऐसा आदेश पारित किया है। उसके बावजूद भी उनको यहाँ से उनकी घरवाली रिंकी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। यह मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत निंदनीय, इन्होंने मेरे लिए निंदनीय काम किया है। मेरे भविष्य को इन्होंने पूरा सूखड़ा साफ कर दिया, मैदान खराब कर दिया, मेरे बच्चों की लाइफ खराब कर दी। और तो और मैं अपने बच्चों को लेकर लाल साहब के घर पर भी गया, वहाँ पे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय भी थे, उन्होंने उनको भी नहीं देखा कि इनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, वैसे वंचित हो जाएंगे। इन्होंने एक रत्ती भर मेरे कार्य इन्होंने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की है, इसीलिए कार्यकर्ताओं के सम्मान में मैं मजबूरी में निर्दलीय प्रत्याशी उतर के आया हूँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, बेंजी में मेरी आस्था है, मानवर काशीराम शाम में मेरी आस्था है, और इन्होंने मेरे साथ इतना दुष्प्रभाव किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। पर लेकिन क्षेत्रीय जनता ने मुझसे कहा अब क्यों परेशान हो, और आज चुनाव चिन्ह हाथी तो नहीं मिल रहा है, अब निर्दलीय हो जाओ। तो मैं जनता की पुकार पर लोगों के सहयोग से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ गया हूँ। जनता का इतना स्नेह और प्यार मिल रहा है, मैं इतनी भारी वोटों से जीतूंगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको मौका देती है तो किस कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं रहेंगी आपकी क्षेत्रीय जनता के लिए? यहाँ सबसे प्रमुख समस्या है कि यहाँ का पानी खारा है, तो खारा पानी है। दूसरा, धनौली में जल निकास की समस्या सबसे बड़ी है। अगर मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बनता हूँ तो यहाँ से जिला पंचायत के दफ्तर से लेके संसद तक और संसद और पार्लियामेंट तक इसकी आवाज़ उठाऊँगा और इस समस्या को हल करने का पूरा मेरा प्रयास होगा। और यहाँ के लोगों को जैसे सड़क नाली खरंजा जो हैं, जो भी जितनी समस्याएं हैं, और कानून की व्यवस्था पर भी मैं कुछ कसने का प्रयास करूँगा। सुनीता जी, इस बार आप मैदान में हैं, क्या कारण है मैदान में आने का? मैं सुनीता, मेरे पति केके निगम। अच्छा, आपके पति तो बसपा में विभिन्न पदों पर रहे हैं, तो आपके इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बसपा से लड़ रहे हैं कि कैसे लड़ रहे हैं? वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं निर्दलीय, क्या कारण है इसका? क्योंकि टिकट नहीं मिली। किसने टिकट नहीं दी आपको? कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं दी। पदाधिकारियों ने क्या कह दिया टिकट के नाम पे आपको? क्या कह दिया? आजकल करते रहे वो, टिकट के नाम पर दिलासा देते रहे। चुनावी मैदान में है, लोगों के पास जा रहे हैं, कैसा मिल रहा है फीडबैक? सही है इसका? सही है, जनता की क्या पुकार है, जनता आपसे क्या कह रही है? पुकार है कि आप जीतेंगे जरूर। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ है सर। भागीरथ जी, जिला पंचायत चुनाव का जो आगाज हो चुका है, ऐसे में कौन सा प्रत्याशी आपकी नज़र में सबसे अच्छा है? हमारा प्रत्याशी के निगम, उनकी धर्म पत्नी सुनीता देवी, वो अच्छा। सुनीता देवी को ही क्यों आप मत करने का सोच रहे हैं, अन्य प्रत्याशी को क्यों नहीं? उनके पतियों ने 25 साल से बीएसपी पार्टी में बहुत मेहनत की, और लगभग मैं देखता चला रहा हूँ जब से बहन जी हमारी शुरू से सीएम बनी थी, उसी से टक्कर से अपने बाल बच्चों को छोड़ते हुए, जैसे केके ने जब कोई रात में फ़ोन करता है, जब भी केके हमारा जाता है, ये नहीं देखता है
कि रात के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहा है, इसी की खातिर बहुत ही ज़्यादा कठोर मेहनत करने के बावजूद बीएसपी पार्टी को एक ऐसी पार्टी मानी थी कि हमारे दलित समाज के सभी पिछड़ों को एक जागरूक बनाया। हम ये चीज़ों को नहीं जानते थे कि हमारी बीएसपी पार्टी क्या करना चाहती है। वो ही लोग काशीराम के बारे में बताते थे, जब उसके समारोह में बहन जी अध्यक्ष बनी थी बीएसपी पार्टी की, जब के हमें बताते थे कि जागो दलितों, जागो, कुछ पढ़ो लिखो, इसलिए संघर्ष करो, क्योंकि हमारी एक बहन जी ऐसी हैं वो ही बहन बेटियों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी और वो भी नौकरी के सम्मान हम लाएंगी, यानी हमारी कोई जात बताने में कोई अनुभव नहीं है। अब माना जा रहा है कि के निगम को टिकट नहीं मिली है, तो ऐसे में अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी ये दुख भरी कहानी है बीएसपी पार्टी से कि हमारे के ने 22 साल मेहनत करने के बावजूद बीएसपी पार्टी ने ऐसा क्यों धोखा दिया कि हमारे के साहब पे इतना विश्वास क्यों उठा दिया गया कि उनको टिकट नहीं मिली। अगर हमारे के भाई गरीब आदमी है तो हम भी के साथ हैं, तो हम गरीबों का मसीहा हैं, चाहे हमारे के पास पैसा नहीं है। हमने के को उनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी को इसलिए उतारा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। ग्राम पंचायत धनौली है और नंगला रेवती है, मलपुरा है, गामरी है, सारे इतने गांव आते हैं। हमने सारे ग्राम पंचायतों से सलाह करके पंचायत जोड़ के हमने के को मैदान में उतारा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या पैसा नहीं है तो क्या, वोट तो हमारा है, जो वोट देगा वही संघर्ष आगे बढ़ेगा। किस पार्टी से मिलाया आपको टिकट? हमने निर्दलीय लड़ाया है, बीएसपी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हमारा वोट तुमने ले लिया, हमने हम तो अपने साथ में राम कर। अच्छा चुनाव शुरू है क्या ना भाई? बेटा तो प्रचार करवे कोई आतो है ना? तो तो कैसे कैसे लोग आ रहे हैं तुम्हारे और प्रचार करे? खूब आ रहे हैं। तो आप कौन है सपोर्ट कर रही हैं इस बार? हम सपोर्ट कर रहे हैं के की। के ये क्यों कर रहे हैं? हमने क्यों ना कर रहे हैं? और कर रहे हैं के से कम है, सही है, वो से काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी किसी के साथ गए? हाँ बिल्कुल, देखो मरी में गिरी में चकमे दस दस बेर रात दिन में छः छः बेर को चाहे वो तई रात को दिन को रात में फोन आ जाओ तो जाओ दिन में आएगा तो जाओ एक मिनट तक ना रुको। तो क्या लग रहा है वो जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे जाके हिसाब से तो सिर्फ चल नहीं, जनता सहयोग कर रही है। हाँ, जनता सिर्फ सहयोग कर रही है। ममता जी कौन सा काम है ये? नगला है। अच्छा पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं, ऐसे में आपके पास कितने प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? प्रत्याशी तो कई आ रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के निगम ही है तो हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो कैसा लग रहा है के निगम का और गांव के लोगों का क्या कहना है? सबका यही कहना है कि वो जीतेंगे। पूरा गाँव सपोर्ट कर रहा है? पूरा गाँव सपोर्ट कर रहा है। अच्छा कैसे स्वभाव के हैं के निगम? के निगम हम देखते आ रहे हैं 19 साल हमको यहाँ पे रहते हुए, उनका व्यवहार भी और सब कुछ बढ़िया है, सब घर के लोग हैं उनके बहुत अच्छे लोग। बताया जाता है के निगम को बसपा से टिकट नहीं मिली है, ऐसे में वो निर्दलीय खड़े हैं तो क्या जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जनता का कैसे कोशिश है? जनता की भी कोशिश है पूरी पूरी, तो वो जीतेंगे। ठीक रेखा जी, आप चिलाब पंचायत का जो चुनाव चल रहा है तो कितने प्रत्याशी आपके पास अब तक वोट मांगने आए हैं? प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं आपके पास? अच्छा तो कौन सा प्रत्याशी आपको पसंद है, किस प्रकार का प्रत्याशी पसंद है आपको? के निगम पसंद है। अच्छा काम करता है, अच्छा काम करते हैं, जनता की सपोर्ट करते हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, सारी जिंदगी बस वही लगाए। तो क्या लग रहा है आपको उनकी जीत कैसी होगी? अच्छी होगी, अच्छी सपोर्ट है जनता की। इस बार किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं जनता। ठीक।